नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। हम द ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबरों के साथ। अगले एक घंटे में आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज देखते हैं। सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मिले पीएम मोदी। भारत सिंगापुर के रिश्तों को मजबूत करने के लिए आज करेंगे विपक्षी बैठक। जम्मू कश्मीर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, चुनावी अभियान का होगा शंखनाद। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कड़ेगांव में जनसभा को करेंगे संबोधित, कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। जम्मू के रामबन और अनंतनाग में राहुल गांधी ने की चुनावी रैली। चुनावी मंच से बीजेपी को दी सीधी चुनौती, कहा जो स्टेटहुड छीना गया उसे वापस दिलाकर रहेंगे। कल जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह मैनिफेस्टो करेंगे जारी। बुलडोजर पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा 2027 में बनी सरकार तो गोरखपुर की ओर होगा। बुलडोजर का रुख दिल दिमाग से नहीं, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। डीएनए में गुंडई वाले योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, सोशल मीडिया पर लिखा आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। कोलकाता रेप कांड पर पूरे राज्यभर में विरोध, श्याम बाजार में प्रदर्शनकारियों ने निकाली विरोध रैली। महिला उत्पीड़न को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया, बोले बंगाल में बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ राजनीति, महाराष्ट्र में हमारे विरोध प्रदर्शन पर रोक लगवाई। कवि कुंभ से महाकुंभ 2025 का आगाज करेगी योगी सरकार। आज से उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा देश का सबसे बड़ा काव्योत्सव, 340 कवि लेंगे हिस्सा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद, आज जमानत याचिका पर सुनवाई। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। सांप के जहर मामले में अल्पेश यादव से आज होगी पूछताछ, ईडी के लखनऊ ऑफिस में पूछताछ करेगी ईडी की टीम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार पर लगाया 1,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, कहा राज्यपाल और पीएम से करेंगे शिकायत। बीजेपी ने किया पलटवार। रायपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, आज राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे शामिल, राजभवन में कार्यक्रम। मैहर में अमरपाटन सिविल अस्पताल की खुली पोल, बेड पर आराम फरमाते दिखे कुत्ते, गार्ड कर रहे मरीजों का इलाज। आरएसएस के बारे में मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, आरएसएस को बताया आतंकी संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की अपील। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर शिकंजा, देसी और विदेशी फंडिंग की जानकारी जुटा रही है पुलिस। आरोपी प्रिंसिपल की रिमांड के लिए पुलिस ने दाखिल की अर्जी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, हिंदू पक्ष की याचिका को माना गया था सुनवाई लायक। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 13 जिलों में भारी बारिश की आशंका।